अफवाहवाद का जन्म। उपन्यासकार शॉल लुई फिलिप ने 1897 के पत्र में लिखा, अब हमारी आवश्यकता है नैसर्गिक जीवन, आज से भावनाओं का युग आरंभ होगा। अफवाहवाद का जन्म इसी निसर्गवादी प्रतिक्रिया में हुआ। चैतन्यपूर्ण नैसर्गिक आनंद की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। 19वीं शताब्दी के अंत के करीब वान गो, गोंग वे सेजान की जो प्रदर्शनियाँ हुई उनसे फाव चित्रकार को काफ़ी प्रेरणा मिली। सरलोदतान में सरलोदा आदिपदा संस्थाओं से उनको प्रोत्साहन व विकास क्षेत्र प्राप्त हुए। मोरिस देनी ने फाववाद की परिभाषा की, यह ऐसा चित्रण है जिसका कोई बाह्य लक्षण नहीं है, यह केवल विशुद्ध चित्रण है। इन कलाकृतियों में कोई व्यक्तिगत विचार, दर्शन या कथन नहीं है। ये चित्रकार विशुद्ध निरपेक्ष की खोज में है, किंतु इस विशुद्ध खोज की एक मर्यादा है जो सापेक्ष है, वह है व्यक्तिगत भावना। फाव चित्रकारों के चित्रों के विषय अधिकतर समुद्र किनारों, सार्वजनिक स्थानों, समारोह व पर्यटन स्थलों के दृश्य थे, जिनमें उनको चमकीले रंगों का प्रयोग व गतिपूर्ण चित्रण करने का मौका मिलता था। अधिकतर फाव चित्रकारों का कला अध्ययन पेरिस के एकोल द बोजार में हुआ था, जहां ग्युस्ताव मोरो एक अध्यापक थे। वे बहुत ही सहृदय व गुणग्राही अध्यापक थे और उनके अध्यापन कौशल के बारे में वॉक्सेल ने लिखा है, उन्होंने विद्यार्थियों का मनोविकास किया था। उनके विद्यार्थी उनका बहुत आदर करते थे। उनके विद्यार्थियों में मैटिस, मार्क्वे, देवालियो, मांग, काम्बा, फ्लान आदि थे, जो बाद में फाव चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। फाव कला की 1905 में हुई प्रथम प्रदर्शनी के 2 साल के अंदर ही उसका आरंभिक जोश समाप्त हो गया। फाव मंडल के सभी चित्रकार अपने व्यक्तित्व के अनुकूल अंकन पद्धति से निजी शैली का विकास करने में व्यस्त हो गए। 1906 में आयोजित फाव चित्रकारों की दूसरी प्रदर्शनी में परिवर्तन के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मैटिस की कृतियों में आकारों को सरलीकृत व सुसंगठित रूप देने के प्रयत्न थे। ग्यूफी, व्लामक व देरे की कृतियों में रचना व विषय प्रतिपादन पर ध्यान दिया गया था। फ्रांस में फाववाद जल्द ही समाप्त हो गया, परंतु उसका अन्य देशों की कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस का जन्म ल कांतो में हुआ। उनके पिता अनाज के व्यापारी थे और उन्होंने हेनरी को कानून की शिक्षा देने का विचार किया। चित्रकला में रुचि नहीं होने से हेनरी ने इस विचार का कोई विरोध नहीं किया और प्रात्यक्षिक अनुभव के लिए वे सॉलिसिटर के कार्यालय में लिपिक बन गए। अपेंडिसाइटिस से विकारग्रस्त होने से मैटिस को काफ़ी समय रुग्णालय में बिताना पड़ा। पास में ही एक रोगी को मनोरंजन के लिए चित्रण करते हुए देखकर मैटिस ने मानसिक उदासीनता को हटाने के उद्देश्य से चित्रण करने का इरादा किया एवं उनकी माता ने उनको एक तेल रंग की डिबिया, पट व गोपिल द्वारा प्रकाशित चित्रकारी संबंधी पुस्तक लाकर दी। चित्रकारी के इस प्रथम अनुभव के बारे में मैटिस ने लिखा है, मैंने अनुभव किया कि मुझे कोई स्वर्ग प्राप्ति हुई है। रुग्णालय से छुट्टी होने के बाद मैटिस ने फुर्सत के समय में चित्रशाला में जाकर मूर्तियों से अध्ययन करना शुरू किया। कुछ समय बाद मैटिस ने चित्रकला की नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा अपने पिता के सम्मुख व्यक्त की। मैटिस प्रथम बुगवेरो की चित्रशाला अकेडमी जूलिया में दाखिल हुए, किंतु वहाँ उनको निराशा हुई। मैटिस के कुछ रेखा चित्रों को देखकर एकोल दी बाजार के अध्यापक मोरो ने उनको अपनी चित्रशाला में बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिल कराया। वहाँ उनका रुओ, मांग आदि कुछ भावी फाव चित्रकारों से परिचय हुआ। मोरो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए लुक संग्रहालय ले जाते, जहाँ हेनरी ने राफेल, शार्ल देलाक्रा वगैरह कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई, जिनमें से कुछ बिक भी गई। मैटिस के आरंभिक चित्रों पर शार्क का प्रभाव था।
रोन व बेरिये से प्रेरणा पाकर उन्होंने मूर्तिकला का भी अभ्यास किया था। उनकी गुलाम शीर्षक की मूर्ति व रोंदे की मूर्ति चलता हुआ आदमी में काफ़ी समानता है। मैटिस ने अपने कलाकारी के काल में कई मूर्तियां बनाई जो गठन, संतुलन व ढलाव के गुणों से उत्कृष्ट हैं। 1901 में मैटिस ने सलो द आर्यभदा में चित्र प्रदर्शित किए व 1903 में सलो द तान में हर साल प्रदर्शनी के लिए चित्र भेजते रहे। 1904 में मैटिस की प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई जिसकी प्रस्तावना में रोजे मार्क्स ने लिखा, यहाँ चित्रकार ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति में कड़ा रुख अपनाया है और कठिन परिश्रम से अपने रंगों के प्रभुत्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। संपूर्ण फाव दृष्टिकोण का उनका विख्यात चित्र हरी पट्टी फाव चित्रकारों की सलो दोतान में आयोजित प्रथम प्रदर्शनी में दिखाया गया। यह चित्र मैटिस का व्यक्ति चित्र है जिसमें चेहरे के बीचों बीच हरे रंग की पट्टी को अंकित करके चेहरे को दो स्पष्ट हिस्सों में विभाजित किया गया है और उससे छाया प्रकाश का प्रभाव नहीं होते हुए भी चेहरे को उभार आ गया है। नीले, लाल, पीले, गुलाबी व सिंदूरी रंगों के क्षेत्रों को स्पष्ट व पृथक रूप से अंकित किया गया है और उससे चित्र में चटकीलापन आ गया है। 1906 में मैटिस की द्वितीय एकल प्रदर्शनी हुई जिसमें चित्र रेखांकन, लिथोग्राफ, छापा चित्र, मूर्तियां आदि विविध कलाकार्य प्रदर्शित हुए। उसी साल मैटिस ने अपना एक महत्वपूर्ण चित्र जीवन का आनंद सलो द आर्यभदा में प्रदर्शित किया। मॉरिस व्लांक 1900 में आयोजित वान गो की चित्र प्रदर्शनी में व्लांक का मैटिस से परिचय हुआ किंतु 1905 तक उनमें विशेष संपर्क नहीं रहा और व्लांक ने अपनी कला का विकास पूर्णतया आत्म प्रेरणा से किया। वे कला को अभिव्यक्ति का एवं दबी हुई भावनाओं को मुक्त करने का साधन मात्र समझते थे। वे कहते, मेरे विचारों को स्पष्ट करने के हेतु मैं चित्रण करता हूँ। अराजकता, प्रेम करना, ख्वाब देखना, ये जैसे व्यवसाय नहीं हो सकते, उसी प्रकार चित्रण कोई व्यवसाय नहीं हो सकता। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मात्र है। व्लांक ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा प्राप्त की व आयु के 30वें साल तक वायलिन का अध्यापन करके अर्थार्जन किया। वे अपने बचपन के बारे में कहते, मैंने जन्मते ही संगीत सुना व उसको सुनते सुनते बड़ा हो गया। उम्र के 12वें साल तक व्लांक ने सेन नदी के प्राकृतिक चित्रों की अनुकृतियां बनाई। चित्रकार बनने के पश्चात उन्होंने इस विषय के को प्रत्यक्ष देखकर चित्र बनाए। स्वतंत्र रूप से उन्होंने प्रभाववाद का अध्ययन किया व उनको मोने के चित्र बहुत पसंद आए। उम्र के 23वें साल तक व्लांक ने शौक के रूप में चित्रकारी की थी। 1900 में व्लांक का संयोगवश देरे से रेलगाड़ी में परिचय हुआ था जो अपना रंग का सामान लेकर प्राकृतिक चित्रण के लिए घूम रहे थे। देरे से प्रेरणा पाकर व्लांक ने चित्रकार बनने का निश्चय किया। वान गो के रंगों की चमक व अंकन पद्धति की निर्भीकता का व्लांक पर अनपेक्षित प्रभाव पड़ा था। अब वान गो के समान चमकीले रंगों का प्रयोग, आवेशपूर्ण रेखांकन और मुक्त तुलिका संचालन उनकी अंकन पद्धति के प्रमुख तत्व बन गए थे। 1905 में हुई फाव चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी में मैटिस व देरे के साथ व्लांक भी निंदा की शिकार हो गए थे। एम आलोचक ने लिखा, चित्रकार ने पट पर रंगों के गोले बरसाए हैं और उसको शीर्षक दिया है, ये लाल गोले हैं, मकान कहाँ है, यह सब गूढ़ है। इस आलोचना से निरुत्साहित होने के बजाय वे द्विगुणित उत्साह से चित्रण करने लगे। व्लांक एक ऐसे चित्रकार थे जिनकी कला में फाववाद का प्रभाव अंत तक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर रहा। व्लांक की पूर्ण विकसित कला में कालीमा छाए हुए वातावरण के अंतर्गत पर्णहीन वृक्षों, झोपड़ियों, अस्थिर जल सतहों पर गतिमान नावों, बर्फ से ढके निर्जन रास्तों आदि के रहस्यपूर्ण वीरान देहाती दृश्यों ऐसे चित्र, फूलों के चित्र प्रचुर मात्रा में हैं। आंद्रे देरेन
आंद्रे देरेन का जन्म शातो में हुआ था। उनके पिता की दुकान थी। वे चाहते थे कि आंद्रे इंजीनियर बने, किंतु आंद्रे की चित्रकला के प्रति रुचि को देखकर उनको एकेडमी में भर्ती कराया गया, जहां मैटिस भी पढ़ते थे। 1900 में उनका विलाम से आकस्मिक परिचय हुआ और उनसे बरसों तक घनिष्ठ मित्रता रही। यद्यपि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, विलाम पूर्णतः अपने विचार से चलते, जबकि देरेन जहाँ कहीं भी कुछ सीखने को मिलता बड़ी उत्सुकता से सीख लेते। उम्र के 18वें साल तक उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध चित्रों की प्रतिकृतियों का संकलन किया। वे कहते, अज्ञानी रहने में क्या लाभ है। फाव काल में उन्होंने वान गो के प्रभाव में आकर चित्रण किया, किंतु चमकीले रंगों के विरोध को बीच बीच हल्की छटाओं को अंकित करके वे सौम्य बनाते। 1905 में वोलार ने उनके सभी चित्र खरीदे और उनको लंदन में थेम्स नदी के दृश्यों को चित्रित करने को कहा। ये चित्र देरेन के फावकार के चित्रों में सबसे सुंदर बन गए हैं। वोलार की तुलना में देरेन के चित्रों में ठंडापन है। वे रंग संगतियाँ अधिक आकर्षक व प्रसन्न हैं। धनवादी चित्रकार पिकासो, ब्रॉक, गेलेजे व मैजीजे एवं कला समीक्षक ओपोलिनेर व मार्क्स याकोब से उनका परिचय हुआ। अब उनका विलाम से भी संपर्क कम हो गया। पिकासो व ब्रॉक से उनका घनिष्ठ संबंध अंत तक बना रहा। 1907 में वे सरलीकृत आकारों में चित्रण करने लगे। इस काल में वे अफ्रीकन मूर्तिकला के प्रभाव में आ गए, जिसका उनकी इस काल में बनाई मूर्तियाँ उदाहरण है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उन्होंने स्वतंत्र शास्त्रीय युद्ध शैली का विकास करते हुए सबसे लोकप्रिय चित्रों का निर्माण किया। कलाकार उनका पिकासो से अधिक सम्मान करते थे। वो उनसे कला संबंधी मार्गदर्शन लेते थे। 1928 में उनको पिट्सबर्ग इंटरनेशनल प्रदर्शनी में कार्नेजी पुरस्कार मिला। 1945 में उन्होंने रोबेली की पुस्तक पातामुएल के लिए काट खुदाई से छापा चित्र बनाए। 1954 में मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। राहुल ड्यूफी। राहुल ड्यूफी को विशेष प्रतिभा संपन्न चित्रकार नहीं मान सकते, किंतु उनकी व्यक्तिगत कला शैली इतनी आकर्षक व सुबोध है कि उसमें नवीनता होते हुए वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। उम्र के 15वें साल में उन्होंने स्थानीय एकोल दी बोजार की सायकालीन कक्षाओं में कला का अध्ययन आरंभ किया। 1900 में छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे पेरिस के एकोल दी बोजार में भर्ती हुए। चित्रकार बोना उनके अध्यापक थे। शुरू में वे प्रभाववाद की ओर आकृष्ट हुए। उनको मोने, पिसारो व रेनवार के चित्र बहुत पसंद थे। 1904 तक उन्होंने प्रभाववादी पद्धति के प्राकृतिक चित्र बनाए थे। आरंभ से ही राहुल ड्यूफी का जीवन के प्रति कृतज्ञ व आशावादी दृष्टिकोण था। उन्होंने आसपास के जीवन से आनंद व उत्साह के क्षणों को चुना एवं आत्मीयता से उनको रूपायित किया। उनके चित्रों के प्रमुख विषय हैं समुद्र किनारों पर एकत्रित हुए जन समुदायों, भूमध्य सागरीय किनारों, सागर परिवेष्टित जलपान गृहों, नावों व जहाज़ों के दृश्य एवं घुड़दौड़ के मैदानों, बगीचों व संगीत भवनों के भीतरी दृश्य। उनकी रंग संगति सदैव विषयानुकूल, सौम्य व आकर्षक होती है। 1911 में अपोलिनेर की एक पुस्तक के लिए उन्होंने काष्ट खुदाई से छापा चित्र बनाए। 1911 से 1932 तक उन्होंने पुस्तक चित्रण, कपड़े के अलंकरण, पर्दों के अलंकरण, छापा चित्र, नृत्य गृह व रंगमंच की साज सज्जा वगैरह विविध कला कार्य किया। फावत के विशुद्ध रंगों से ड्यूफी अंत तक एकनिष्ठ रहे। यद्यपि गतिपूर्ण रेखाओं द्वारा चित्रण करने की नई पद्धति को उन्होंने अपनाया था, विशुद्ध रंगों के आकर्षण के सामने उन्होंने वस्तु के निजी रंग रूप की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अपने सौंदर्यवादी ध्येय को निश्चित करने के पश्चात उन्होंने कहा, जो वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती ऐसी वस्तुओं की सृष्टि का निर्माण मेरा प्रधान उद्देश्य है। 1937 में उन्होंने पेरिस के विश्व मेले के लिए एक बड़े आकार का भित्ति चित्र बनाया।
1911 के बाद उन्होंने अपनी मौलिक शैली में जल रंग, तेल रंग व रेखांकन में जो चित्र बनाए वे यूरोप व अमेरिका में लोकप्रिय होकर काफ़ी तादाद में बिके। उनकी 1953 में मृत्यु हो गई। जॉर्ज रुओ। ड्यूफी के चित्र प्रसन्न, आकर्षक व भौतिकवादी हैं, जिसके विपरीत रुओ के चित्र धार्मिक हैं। वह उनमें सांसारिक दुख, अन्याय व भ्रष्टाचार का निषेध है। जॉर्ज रुओ का जन्म 1871 में पेरिस में हुआ। वह उनके नाना जी ने उनका पालन पोषण किया। उनके नाना जी को कुर्बे माने व दोमिया के चित्र बहुत पसंद थे और छोटे जॉर्ज को भी उनके चित्रों को दिखाया करते थे। उम्र के 14वें साल में रंगीन कांच चित्रों का काम करने वाले हर्ष नाम के कलाकार के यहाँ रुओ नौसिखिया सहायक बने, जहाँ वे पुराने कांच चित्रों को सुधारने का काम करते थे। उम्र के 20वें साल में पूरा समय अध्ययन करने के हेतु वे नौकरी छोड़कर एकोल दी बाजार में प्रविष्ट हुए, जहाँ उनका मैटिस से परिचय हुआ। एम मोरो के मार्गदर्शन में काम करने का उनको मौका मिला। रुओ धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। बचपन में धार्मिक रंगीन कांच चित्र के किए कार्य का उनकी कला के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1892 में उन्होंने धार्मिक विषयों की चित्र मालिका बनाई, जिस पर उनको एकोल का प्रथम पुरस्कार मिला। सलो दत्तान की प्रस्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और 1903 की उनकी प्रदर्शनी में भाग लिया। 1905 की फाव चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी में उन्होंने अपनी नई शैली में बनाए 3 महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए थे। रुओ की अंकन पद्धति के जोश एवं अभिव्यक्ति के अनोखेपन को देखकर आलोचकों व दर्शकों ने उनको फाव चित्रकारों में शामिल किया, यद्यपि उनके चित्र फाव चित्रकारों से पृथक कक्ष में रखे गए थे। उन्होंने सायकालीन वातावरण के काल्पनिक प्राकृतिक चित्र, किसानों व मजदूरों के जीवन के चित्र एवं कुछ व्यक्ति चित्र बनाए थे। उनके व्यक्ति चित्रों में से मिस्टर एक्स विशेष प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी शैली का चित्र है। उन्होंने बाह्य जीवन का निषेधात्मक विभत्स चित्रण करके आत्मिक जीवन में धर्म की अनिवार्यता पर बल दिया है। वान गो के समान वे मानव जीवन के प्रति सचेत थे। वह मानव के दुख को भूल नहीं सकते थे। मानव के प्रति व्यवहार को देखकर वो बहुत तड़पते थे। आधुनिक चित्रकला में रुओ एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने मानव को परमेश्वर का साकार रूप मानकर सहृदयता से चित्रित किया था।